जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, भारत ने अपने ऑयल के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए एक और बड़ा कदम ले लिया है और अरब के देश, चाहे रसिया हो या अरब के कोई भी देश हो, उनकी सांसें ऊपर नीचे होना तय है। बड़ी खबर ये है दोस्तों, बायोफ्यूल को बनाने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज भी अब काम करना चालू कर चुकी है। आज की बड़ी खबर ये है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने एक MOU साइन किया है इंजीनियरिंग इंडिया के साथ और अब इसकी मदद से भारत में वेस्ट टू एनर्जी और बायोफ्यूल निर्माण का काम तेजी से किया जाएगा। दोस्तों, अगर टाटा की बात करें तो भारत में 59 मिलियन से भी ज्यादा शहर हैं, जहाँ से हजारों टन वेस्ट यानी कचरा निकलता है और इसमें सूखा और गीला कचरा दोनों शामिल होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इसको लेके भारत में अभी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है कि इसकी मदद से हम कुछ एनर्जी बना पाए या फिर कोई अच्छी क्वांटिटी में बायोफ्यूल का निर्माण कर पाए। लेकिन मित्रों, इस MOU को साइन करने के बाद इस प्रोजेक्ट को भी अब देश के और प्रोजेक्टों की तरह स्पेशली ट्रीट किया जाएगा। इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी 10 लाख से ज्यादा शहरों को टारगेट कर चुकी है, जहाँ से कचरा कलेक्ट किया जाएगा और उससे बायोफ्यूल का निर्माण किया जाएगा। ना सिर्फ दोस्तों बायोफ्यूल, बाकी जो ड्राई वाला सेक्शन है वहां से भी हार्मफुल कंपोनेंट को साइड में कर कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी, साथ ही मेटल और प्लास्टिक के कणों से विनिर्माण किया जाएगा। और इसको लेके भारत सरकार ने कई सारी योजनाएं बनाई है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, शहरी 2.0, गोवर्धन एन जैसी महत्वपूर्ण स्कीमों को इसमें शामिल किया है। और इन सभी मिशनों को एक साथ लॉन्च करने के बाद बड़े स्केल में बायोफ्यूल और बायोCNG को सफलतापूर्वक निर्माण किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर के सॉलिड वेस्ट बेस्ड काउ डंग प्लांट का इनॉग्रेशन फरवरी महीने में किया था और आप सभी मित्रगणों को सुनकर हैरानी होगी, इस प्लांट में 19,000 केजी बायोCNG को बनाकर तैयार किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आने वाले समय में IIT की भी मदद ली जाएगी इन सब क्षेत्रों में, जिससे और भी ज्यादा इफेक्टिवली इस बायोCNG गैस का निर्माण किया जाएगा। भारत सरकार के लिए गए इस डिसीजन को लेकर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।